हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव, जो कि किस तरह ड्रॉ करना चाहिए और कैसे ड्रॉ करते। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते थे। तो अब हम पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, जो कि पर्सपेक्टिव तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, सेकेंड है हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, थर्ड है हमारा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें एक पॉइंट का यूज़ करके ड्राइंग बनाना होता है, और हमें 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 पॉइंट का यूज़ करके ड्राइंग बनाना होता है, और 3 पॉइंट में 3 पॉइंट यूज़ का, और हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस का यूज़ करना होता है, जो कि इस तरह की लाइन से, और उसी लाइंस और पॉइंट से आपको मन माइंड में जो भी ऑब्जर्वेशन है कुछ भी आप वो ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं आपको इधर एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह सब ड्राइंग की हुई है, ड्राइंग कि इसी तरह से आप ड्राइंग कर सकते हो अपना आई लेवल बढ़ा के। तो अभी हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, जो कि इंटरनल है, मतलब हम घर का ड्राइंग, मतलब कुछ भी बना के कर सकते, जैसे बेडरूम, किचन। तो अभी मैं आपको एक ड्राइंग बना के बताऊंगा, जो कि हमने एक पॉइंट ले लिया है बीच में, तो अभी हम इसी पॉइंट से पूरा ड्राइंग करेंगे। ये पॉइंट ले लिया, अभी हम इससे हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे, जो कि इस तरह। अभी इसी तरीके से हम लाइन चारों बाजू में लगा देंगे। तो आपको इसी तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का आपको वीडियो आ जाएगा जल्दी इसी चैनल पे। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो इसी तरीके से हम चारों बाजू में लाइन ले लेंगे। आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हो और फ्री हैंड मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से हमने चारों बाजू में लाइन ड्रॉ कर ली है, जो कि ये मैं आपको खाली प्रैक्टिस करके बताऊंगा। तो आप रियलिस्टिक भी बना सकते हो, रियलिज्म भी बना सकते हो, और 3D भी बना सकते हो। तो अभी हम इधर दोनों लाइंस के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हमारी बेडरूम की सामने वाली वॉल है। तो मैं खाली बिना देखे ऑब्जर्व करके आपको बता रहा हूँ, मैं किसी भी रेफरेंस फ़ोटो का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो कि मेरे मन में वो ऑब्जर्वेशन है मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने चारों बाजू में लाइन ड्रॉ कर ली है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अब हमारी वो भी फालतू लाइन से, तो अभी हम उसे रफ़ कर देंगे, जो कि हमारी काम की नहीं है, हमने खाली मेज़रमेंट के लिए वो यूज़ किए, उसको हम रफ़ कर देंगे। जो कि इसमें आपको ऑब्जर्वेशन अपना बढ़ाना है और आई लेवल बढ़ाना है। तो जो आप ड्राइंग कोई भी नहीं कर रहे हो, तो उसमें भी ये पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़रूरी है। उसको उसकी हॉबी ड्राइंग ना हो तो भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो अपना आई लेवल और ऑब्जर्वेशन बढ़ाना चाहिए, जो कि आपको पता रहना चाहिए, जो कि टीवी किस तरह का दिखता है, बेड किस तरीके से दिखता है, खिड़की, विंडोज़, कबर्ड। तो ऐसे आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ाना चाहिए। तो ये हमारी बेडरूम की सामने वाली वॉल ड्रॉ हो गई है, और नीचे लेफ्ट साइड, ऊपर, चारों बाजू की वॉल ड्रॉ हो गई है। तो अभी मैं आपको एक बेड बना के दिखाऊंगा, जो कि हमने एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर ली है ओनली मेज़रमेंट के लिए और 3D दिखने के लिए। तो इजी पॉइंट से हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे बेड की, और सामने का हमने ड्रॉ कर लिया है, जो कि बेड का फ्रंट पार्ट होता है। और इसी तरीके से हम बेड की नीचे वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हॉरिजेंटल पॉइंट से जॉइंट करके। आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हो परफेक्ट मेज़रमेंट के लिए। तो अभी हम इसी तरीके से इधर भी एक पॉइंट से लाइन जॉइंट कर लेंगे। तो अभी हमारा बेड ड्रॉ हो चुका है। तो अभी आपको जितना बड़ा बेड चाहिए उतना आप कर सकते हो। तो उसके हिसाब पीछे की लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, उतना भी आपका बड़ा बेड होता है छोटा। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है, तो हमारी वो भी फालतू लाइन है, मेज़रमेंट के लिए हमने खाली यूज़ की है, तो उसको रफ़ कर देंगे।
इसी तरीके जो से कि हमारा बैट ड्रॉ हो चुका है, हमने खाली पॉइंट का यूज़ करके काफ़ी अच्छी तरीके से 3D बैट बना दिया है, जो कि आपको फ्रंट का साइड दिख रहा होगा, तो मैं आपको इसे डार्क करके बता रहा हूँ। हमने खाली पर्सपेक्टिव के आउटलाइंस ड्रॉ किए, अगर आपको रियलिस्टिक चाहिए तो इसमें आप शेडिंग कर सकते हो, कलर कर सकते हो, जैसा चीज़ ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं इधर ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था, ऐसे ही बना के, तो आपको उतना रियलिस्टिक चाहिए उतना आप शेडिंग कर सकते हो, कलर कर सकते हो, वाटर कलर कर सकते हो, जो कि हमारी खाली पर्सपेक्टिव के आउटलाइंस है, जो कि आपको एकदम रियल बेडरूम देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको एक एसी ड्रॉ करके बताऊंगा, जो कि इस तरीके की है, जो कि एसी का हमारा ये फ्रंट का पार्ट है, तो अभी हमारे एसी का वो पॉइंट है और हमारा पर्सपेक्टिव का पॉइंट है, तो अभी हम लाइंस लगा लेंगे दोनों बाजू में, तो अभी आपको दिख रही होगी एसी एकदम बड़े से कैसे छोटी हुई है, तो आपकी उतनी एसी बड़ी उतना हम कट कर लेंगे और उसके अंदर की डिटेलिंग कर लेंगे एसी की, और वो भी हमारी फालतू लाइन से उसे फिर से हम रब आउट कर देंगे। तो अब ऐसे हमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यही मतलब होता है, तो इसी तरीके से आप बेडरूम, हॉल, किचन वो भी ड्रॉ करना कर सकते हो, क्योंकि तो मैं आपको इस वीडियो में इंटरनल ड्रॉ करके बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको रोड वे वगैरह ड्रॉ करके बताऊँगा। तो अभी हम बना रहे डोर, जो कि खुला होगा, हम दरवाज़ा नहीं बनाएंगे, ओपन डोर बनाएंगे, क्योंकि तो हमने ऊपर वर्टिकल लाइन ले लिए, हॉरिजेंटल लाइन ले लिए, जो कि हमारी वॉल्स की उतनी मोटाई है, हम वो ड्रॉ कर लेंगे, और जो कि आपके डोर के बाहर जो भी कुछ भी बेडरूम वगैरह हो, तो अभी हम उसके अंदर का ड्रॉ कर लेंगे इसी पॉइंट का यूज़ करके। तो अभी हम वर्टिकल लाइन लगा रहे, तो ये देखो आपको ऐसे दिख रहा होगा कि दरवाजे के अंदर बेडरूम है, किचन है, ऐसा दिख रहा होगा। देखो आपको कैसे कॉर्नर दिख रहा है वॉल्स का और फ्लोर का, तो हमारी फालतू लाइंस को फिर से हम रब आउट कर देंगे, तो आपको डोर दिख रहा होगा। इसी तरीके से आप भी ड्रॉ कर सकते हो मेरी वीडियोस को देख के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना। इसी तरीके से आपके बेडरूम में क्या रखा हुआ है, कैसा डोर है, और आपके किचन में कैसा है, हॉल में, तो इसी तरीके से आप भी ऑब्जर्वेशन करके ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि बेड किसी तरीके से दिखता है, कैसे दिखता है, राइट में किस तरीके से दिखता है, फ्रंट में किस तरीके से दिखता है, तो आपको ये सब थिंग्स मालूम होनी चाहिए, तो इसी तरीके से आप भी ड्रॉ कर सकते हो। आपको अपना आई लेवल बढ़ाना है और ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है, थिंग्स को ऑब्जर्व करना आपको। तो अभी मैं आपको एक इधर विंडो ड्रॉ करके बताऊंगा, उसकी खिड़की या अभी आपको देखो, तो आपको अभी हॉरिजेंटल लाइन लगा लेनी है, वर्टिकल्स लाइन आप कर सकते हो अपने मन से, उतनी ऊंची है खिड़की, नीची है, और हॉरिजेंटल लाइन नीचे से लगा ली है खिड़की की, तो इसी तरीके से हम ऊपर की भी लगा लेंगे, और इसी तरीके से हम खिड़की ड्रॉ कर लेंगे और अंदर की डिटेलिंग ड्रॉ कर देंगे। तो आपको वो लेफ्ट और राइट साइड में है, तो उसको आप हॉरिजेंटल लाइन लगाना है पॉइंट से, और वो ऊपर और नीचे उधर वर्टिकल लाइन लगाना है। तो यही हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, कि आपको पॉइंट उधर से आपको बड़े से मतलब छोटा दिख रहा है ना, तो उधर आपको एक मिडल में पॉइंट ले लेना है और उसी पॉइंट से आपको ड्रॉ कर लेना है। तो अभी हम इसका डोर ड्रॉ कर लेंगे और अंदर के वो भी मिरर और कांच होते हैं वो ड्रॉ कर लेंगे और अंदर की डिटेलिंग ड्रॉ कर देंगे। तो अभी हमने खिड़की की अंदर की डिटेलिंग ड्रॉ कर लिए, कांच मिरर है, तो अभी हम खिड़की की मोटाई ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि तो आपकी खिड़की में कुछ भी फ्रेम किया होगा, तो इसी तरीके से हम सीलिंग ड्रॉ कर देंगे, जो कि ऊपर हमारी लगी होती है सीलिंग, जो कि बेडरूम हॉल में लगी होती है, तो अभी हम वो ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि फ्री हैंड से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हो।
उतना स्केल का यूज़ करोगे उतना आपका परफेक्ट ड्रॉ होगा। तो इसी तरीके से हमने ड्रॉ कर दिए। तो अभी हम बीच में फ़ैन को ड्रॉ कर लेंगे, जो कि सबके घर पे होता ही होगा। तो अभी हम फ़ैन को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि तो एकदम मिडल में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, सीलिंग के बीच में। तो आपको एकदम 3D बनाना है। पर्सपेक्टिव का यही मतलब होता है कि आप कुछ भी मतलब जैसे आप कुछ भी, अगर हम घर बना रहे तो हमारा घर कैसा बनना चाहिए और किस तरह क्या होना चाहिए, तो आप इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको एक मैप मिल जाएगा कि हाँ इधर ये थिंग होनी चाहिए, इधर ये होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो पर्सपेक्टिव खाली बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, जो कि मेरी प्रैक्टिस भी नहीं है, तो अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जो कि अभी हम सोफे को ड्रॉ करेंगे, तो हमारा बेड ड्रॉ हो चुका है। अभी हम सोफे को ड्रॉ करेंगे कि हमने हॉरिजेंटल लाइन लगा लिए, और अभी हम पॉइंट से वर्टिकल लाइंस को लगा लेंगे। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव, तो आपको भी एक बार ड्रॉ करना चाहिए। अगर आप एक बार ड्रॉ करोगे ना, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसी तरीके से आप भी ड्रॉ कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है ये। तो आप भी एक बार घर पे ड्रॉ करके देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। तो अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाना आपको इसमें। तो अभी हमारा सोफ़ा ड्रॉ हो चुका है। अभी आपके घर पे कैसा सोफ़ा होता है, जिस तरीके से आप भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं अपना घर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जो कि मेरे मन में वो भी ऑब्जर्वेशन है, जो कि किधर क्या रखा होता है। मैं अपना खाली ऑब्जर्वेशन आपको दिखा रहा हूँ, जो कि हमारा सोफ़ा ड्रॉ हो चुका है। तो अभी हम अंदर डिटेलिंग कर लेंगे। आपको रियलिस्टिक बनाना है, एकदम 3D बनाना है, तो अंदर शेड कर सकते हो, कलर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छे से दिखेगा आपको, काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो इसी तरीके से आप भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी मैं ऑब्जर्वेशन ड्रॉ कर रहा हूँ अपना, क्योंकि अगर आपका ऑब्जर्वेशन पावरफुल नहीं है, तो मैंने आपको पहले से एग्जाम्पल दे रखे, तो उससे आप देख के ड्रॉ कर सकते हो, रेफरेंस फ़ोटो का यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप गूगल पे सर्च मारोगे तो वो भी काफ़ी सारे आपको फ़ोटोज़ दिखाई देंगे, क्योंकि तो आपको खाली सर्च मारना वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो अभी अभी मैं मैं आपको टेबल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, कि हमारे सोफ़े के आगे रखा होता है, जो आप के घर पे किस तरीके का टेबल है, जो कि आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। मतलब एनीथिंग आप ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरीके से आप किचन, बेडरूम, हॉल, तो मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फ़ैन, AC, इसी तरीके से आप भी डिटेलिंग करके काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारी वर्टिकल्स लाइन लगा ली हमने पॉइंट का यूज़ करके। तो आपको वो भी वर्टिकल्स लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, वो भी आपको पॉइंट के उस तरह जा रही है, पॉइंट की तरफ जा रही है, तो उसी पॉइंट से आपको लाइंस लगानी है खाली मेजरमेंट के लिए। तो इसी तरीके से हमारी टेबल ड्रॉ हो चुका है, हमारा टीपाई। तो इसी तरीके से आप भी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से। मैं आपको इंटरनल दिखा रहा हूँ, एक्सटर्नल आपको अगली वीडियो में आ जाएगी। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो इसी तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे, और अंदर के व्हील ड्रॉ कर देंगे, जो कि टायर होते हैं व्हील टेबल के नीचे। तो इसी तरीके से आप भी ड्रॉ कर सकते हो, काफ़ी इजी है। बस खाली अपना ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ा लो, तो क्या चीज़ कैसी होती है, सोफ़ा किस तरीके से दिखता है, राइट एंगल, लेफ्ट एंगल, सब आप अपना ऑब्जर्व करके रख दो, तो बिना देखे भी ड्रॉ कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सा कबर्ड ड्रॉ करके दिखाऊंगा, जो कि इस तरीके का होता है। तो अभी हम हॉरिजेंटल लाइन लगा लेंगे ऊपर और नीचे की तरफ, क्योंकि कबर्ड के ऊपर और नीचे हॉरिजेंटल लाइन होती है, वो हम ड्रॉ कर लेंगे। हमें उतना बड़ा बनाना है, उतनी बड़ी लाइन्स ड्रॉ कर देंगे, और वर्टिकल्स लाइन लगा लेंगे, तो उतना आपको बड़ा चाहिए उतना ड्रॉ कर सकते हो। आपको एकदम स्लोली स्लोली करना, और एक पेशेंस के साथ आपको एकदम 3D ड्रॉ करना है। तो हमारा आउटलाइन हो चुका है,
हम फालतू लाइंस को मिटा देंगे, क्योंकि तो मेजरमेंट के लिए हमने खाली यूज़ की थी, तो इसके हम डोर ड्रॉ कर देंगे कवर्ड के, कि इस तरीके के होते, तो हैंडल ड्रॉ कर देंगे, और आजू बाजू वो भी होता है हम ड्रॉ कर देंगे, तो इसी तरीके से आप भी ड्रॉ कर सको तो काफ़ी अच्छी तरीके से, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी हम आपको एक टीवी ड्रॉ करके दिखाएंगे, तो हम पहले एक घड़ी ड्रॉ कर देते, क्लॉक, जो कि इस तरीके का, आप सर्कल स्क्वायर कुछ भी कैसा भी क्लॉक आप ड्रॉ कर सकते हो, जो कि सबके घर पे होता ही होगा। तो आपको और डिटेलिंग करनी है तो आप और डिटेलिंग का यूज़ कर सकते हो, और अपना और टाइम लगा सकते हो अपने ड्राइंग पे। तो इसी तरीके से हमने क्लॉक ड्रॉ कर दिए, तो अभी हम ड्रॉ कर देंगे टीवी, जो कि अभी हम थोड़ा बैकग्राउंड में ऐसा डार्कनेस दिखा रहे, क्योंकि तो आपको लगना चाहिए हाँ ये सामने का वॉल है। तो अभी हमने थोड़ी शेडिंग कर दी सामने वाली वॉल में, क्योंकि तो इस तरीके से, तो अभी हमारा शेड हो चुका है। तो हम टीवी ड्रॉ करने से पहले थोड़ा विंडो में डिटेलिंग कर लेंगे, तो आपको खाली अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है, क्योंकि तो सोफ़ा किस तरीके का दिखता है, एसी, बेड, एनीथिंग, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, तो इसी तरीके से आप अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ा लो, तो आप ओनली 30 सेकेंड में आप ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी हमने कर्टन्स लगा लिए, क्योंकि तो पर्दे हमारे विंडोज़ के, तो आप एनीथिंग ड्रॉ कर सकते हो, अपना खाली ऑब्जर्वेशन बढ़ा लो, तो आप 30 सेकेंड में अपना पूरा टाइम लगा के आप एकदम काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि तो 3D तो आपको और रियलिस्टिक चाहिए, रियलिज्म चाहिए, हाइपर रियलिस्टिक चाहिए, तो आप अपना और डिटेलिंग लगाओ, और अपना पेशेंस लगाओ, और अपनी शेडिंग्स कलर्स आप और भी कर सकते हो। तो अभी मैं आपको एक टीवी ड्रॉ करके दिखाऊंगा, क्योंकि तो इसमें हमको खाली कुछ लाइंस का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि तो हमने खाली सामने वाली वॉल में बना रहे, तो इसी तरीके से आप भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी हम फालतू लाइंस को मिटा देंगे, क्योंकि तो हमने बना लिया काफ़ी अच्छे से टीवी, जो कि हमारी बॉर्डर है, बॉर्डर बना दिया हमने, तो अभी हम बॉर्डर को डार्क कर देंगे, और नीचे का स्टैंड बना देंगे टीवी का, और नीचे एक कबर्ड बना देंगे, क्योंकि तो इस तरीके का, और अंदर ड्रॉवर वगैरह कुछ भी ड्रॉ कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने काफ़ी अच्छी तरीके से बेडरूम ड्रॉ कर लिया है, काफ़ी पेशेंस के साथ। तो ये मैंने खाली ओनली 1 आवर में ड्रॉ किया है, ओनली 1 घंटा अपना लगा के। तो इसी तरीके से आप भी ड्रॉ कर सकते हो, काफ़ी इजी है। तो अभी हम स्पीकर ड्रॉ कर देंगे, तो काफ़ी आप छोटी छोटी डिटेलिंग कर सकते हो, शेडिंग कर सकते हो, तो काफ़ी आपका ड्राइंग है जो कि एकदम रियलिज्म लगेगा। तो कि अभी हम इसको लाइन लगा के नीचे का फ्लोरिंग ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि ग्राउंड में फ्लोर लगा होता है टाइल्स, जो कि हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारी वो भी हॉरिज वर्टिकल्स लाइन है, तो हम पॉइंट का यूज़ करके ड्रॉ कर देंगे। तो आपको पॉइंट को मिटाना नहीं है, उस जगह पे पॉइंट है उस जगह पे रखना है, और लास्ट में रफ कर देना है, नहीं तो आपका पॉइंट इधर से उधर हो गया, तो आपका जो कि ड्रॉ कर दो एकदम 3D नहीं लगेगा। तो अभी हम हॉरिजेंटल लाइंस लगा लेंगे टाइल्स की, जो कि होती है, तो इसी तरीके से आप भी काफ़ी अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी हम थोड़ी शेडिंग कर लेंगे, डिटेलिंग कर लेंगे, तो आपको 1 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जो कि लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो इसी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो इसी तरीके से आप भी ड्रॉ करना, तो अपना ऑब्जर्वेशन, आई लेवल सब कुछ आप बढ़ा देना, जो कि हमने खाली इरेजर, स्केल और पेंसिल का यूज़ करके काफ़ी अच्छी से हमने डिटेलिंग लगा ली है एकदम ड्राइंग में, क्योंकि हमने पेन पेंसिल का और इरेजर का यूज़ किया ओनली। तो आप सिंपल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, और स्केल का, और बिना मेजरमेंट से भी आप बना सकते हो। आप बिगिनर हो तो आप स्केल का यूज़ ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।